हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज, मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में मैं इतने दिन रही, 4-5 दिन, बट मेरा गला इतना ख़राब था कि मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। एक दिन मैंने आई थिंक करा था, पता नहीं किस दिन, बट मैं भी नहीं डाल पाई क्योंकि यहाँ वाईफाई का कोई अरेंजमेंट नहीं है और मैं घर जाके वाईफाई से ब्लॉग डालूंगी वाला। बट अभी मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको गुड न्यूज़ देनी थी कि मैं आ गई हूँ इंदौर अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग इंदौर है। पोस्टिंग नहीं कह सकते, जो हमारा कोर्स चल रहा था ना, मतलब हस्बैंड का, जिसमें मैं उनके साथ यहाँ पर थी, बट वो बीच में इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में जम्मू चले गए थे। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, फिर हम दोबारा गए, बट फिर इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में चले गए। तो उनका भी 3 महीने का कोर्स बचा था तो वो इंदौर आ गए थे, बट मैं इस बार नहीं आई क्योंकि सिर्फ 3 महीने के लिए आना था और खर्चा वगैरह बहुत हो जाता, तो मैंने सोचा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। खर्चा वगैरह बहुत होगा क्योंकि रूम लो, फिर रेंट दो, बिजली का बिल, राशन, ये सब में बहुत खर्चा हो जाता था, तो मैं नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि लास्ट में जैसे उनका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो मुझे यहाँ बुलाएंगे थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए। और जहाँ मैं रहती थी भाभी लोग के, वहाँ जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ हमारे एक परिवार जैसा रिश्ता, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कल उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, आज मैं सुबह सुबह यहाँ इंदौर पहुँची हूँ। मेरे को लेने के लिए आए थे हस्बैंड, मतलब 4-5 दिन के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। तो अभी तो वो गए हैं अपनी क्लास के लिए, पढ़ाई नहीं होगी, बट हाँ और कुछ काम तो करवाएंगे। फिर हम जाएंगे रात को घूमने के लिए, किस दिन मूवी, किस दिन सराफा, किस दिन कोई मेला लगा होगा तो मेला, वरना फिर कुछ खाने पीने। तो ये दिन मैं अपनी लाइफ के बहुत अच्छे से इन्जॉय करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी इसके बाद छुट्टी नहीं आएंगे, वो सीधा अपनी पोस्टिंग पे जाएंगे, सीधा नवंबर में छुट्टी आएंगे। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ धीरे धीरे, जितनी आवाज़ निकले। दर्द तो बहुत हो रहा है, जोर भी बहुत पड़ रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया अच्छे से अच्छे, बट आराम नहीं मिल रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। डॉक्टर्स ने तो ऑपरेशन के लिए भी बोला है, बट देखते हैं क्या ही होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ इंदौर में एक बार अच्छे डॉक्टर को यहाँ पर भी दिखा लूँ। तो बाकी अभी मैं, हमने कोई रेंट पे घर नहीं लिया बाहर। ऐसा होता है जब हम एक हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आते हैं, तो जो कैंप होता है उसी में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फैमिली अगर आती है तो गेस्ट रूम मिल जाते हैं। तो अभी हम गेस्ट रूम में रह रहे हैं। गेस्ट रूम तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जैसे होता है ना, सफाई वगैरह, मेंटेनेंस, वो नहीं है, बट ठीक है, रहने को मिल रहा है, वही काफ़ी। यहाँ पर बेड होता है, कूलर है, टीवी है, 2 रूम है, वॉशरूम है, बाथरूम है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, सब कुछ है, बट यू नो सफाई वगैरह ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो ये होता है गेस्ट रूम। तो बट ये है कि हाँ, सफाई वगैरह ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ पर एक इलाका भी होता है कि अतिथि गृह के निर्देश कि कमरे को साफ सुथरा रखें, कचरे को कूड़ेदान में डालें, कमरे को छोड़ने के पूर्व यकीन कमरा साफ हो, बाथरूम का गीजर स्नान करने के बाद बंद करें। पर ऐसे 2 बेड हैं और कूलर हैं, बट हाँ ठीक है, रहने के लिए काफ़ी है, बट फिर भी ना एक जो क्लीनलीनेस होती है वो नहीं है, जिससे यहाँ जाले वाले लगे हैं। और जब हम सुबह आए थे तो यहाँ छिपकली, जो आपको पता है मुझे छिपकली से कितना डर लगता है, फिर उन्होंने भगाई। और दूसरा रूम ये है, लाइट जलाऊंगी बट छिपकली आ जाएगी, इसलिए जला रही, मुझे दिख गई तो मैं मर जाऊंगी। और एक बेड यहाँ पर भी है, एक मिनट फ्लैश जला देती हूँ। वहाँ बाथरूम है, यहाँ पर एक मिरर भी लगा है, और यही सब है। हाँ ठीक है, रहने के लिए काफ़ी है, बट सफाई करेगा भी कौन अगर कोई हमेशा यहाँ रहता है एज अ, मतलब फैमिली की जो हमेशा रहे तो फिर वो सफाई कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं साफ करके जाऊँगी जब यहाँ से निकलूँगी, और अगर यहाँ में हमेशा के लिए रहना होता तो मैं इसे भी पूरा चमका देती और पूरा डेकोरेट कर देती, जैसे आपने हमारा इंदौर में पहले वाला व्लॉग देखा था कि मैंने अपने रूम को बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। बट यहाँ पर सेट कर ही नहीं सकते, नया सामान लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं 4 दिन के लिए यहाँ हूँ। मगर देख लिया आपने कैसा रूम है, ये फैमिली क्वार्टर नहीं है, फैमिली क्वार्टर अलग होते हैं, ये गेस्ट रूम है सिर्फ। तो अभी हस्बैंड आएंगे शाम को, फिर उसके बाद हम जाएंगे भाभी लोग से मिलने। और जैसे कि आपको पता था कि उनके 2 बेटे यश और तेजस, वो मेरे भाई से भी बढ़कर मिले हैं, मतलब उनको जब हम यहाँ थे तब से मेरे वो भाई जैसे बन गए थे, वो भाई ही हैं। तो
राखी तो कल थी बट आज मैं उनको राखी बांधूंगी और मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई हूँ राखी पे देने के लिए, क्योंकि छोटे भाई हैं वो मेरे और जब और मैंने अपने जो सगे भाई उनको भी गिफ्ट दिए थे, जब कमाने वाली बहन हो तो गिफ्ट देना चाहिए। चलो मैं दिखाती हूँ मैं यशो तेजस के लिए क्या लाई हूँ। और उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो ये लाई हूँ मैं यश के लिए शर्ट, क्योंकि यश हाफ स्लीव्स की पहनता है, ये वाली आजकल चल रही है ना नेट में। ऐसे मैंने गौरव को भी दी थी जो मेरा भाई गौरव है। कैसी लग रही है शर्ट आपको? और एक मिनट, ये है तेजू के लिए, तेजस के लिए। सच में जब मैं वहाँ थी ना इतना इन्जॉय करते थे हम लोग, कहीं भी मुझे जाना होता था तो तेजस ही मुझे लेके जाता था। तो मैं तेजस से बोली एक दिन, मतलब मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था बार बार बोलना कि यार मेरे को यहाँ जाना, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी रहते थे। अब मुझे कुछ भी काम होता था तो स्कूटी तो हस्बैंड लेके गए होते थे, तो हस्बैंड ने तेजस से बोला था कहीं भी जाना होता तो दीदी को ले जाना। तो अब तेजस बोलते हैं हाँ भैया जब भी दीदी बोलेंगी मैं ले जा लूँगा। अब मेरे को शर्म आती थी बोलने में, तो तेजस से मैंने बोला यहाँ रैपिडो चलती है, तो तेजस क्या बोलता आपको रैपिडो की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना आपका रैपिडो वाला। बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो मैं ये लाई हूँ तेजस के लिए, भगवान बस उन्हें पसंद आ जाए। तेजस के लिए मैं टी शर्ट लाई हूँ क्योंकि वो पतला है, तो पतले तो दोनों ही हैं मगर वो शायद टी शर्ट ही ज़्यादा पहनते हैं। तो ये है तेजस के लिए, कैसी लग रही है ये देखते हैं उनको कैसी लगती है। चलो फिर पैक करती हूँ इसको, और मैंने रेडी होने के लिए कपड़े भी यहाँ निकाल लिए। जीन्स पहनूंगी या फिर सूट पहनूंगी, मतलब जीन्स के बाद कुर्ती या फिर सूट, उसके बाद फिर रेडी होके मैं निकलूँगी। एयरिंग्स तो मैंने पहन लिए सारे, और मैं थोड़ा टचअप शचअप कर लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ। सोई थी मैं दिन में मस्त, कूलर के आ गए यहाँ पर, ये भी आए थे दिन में सोए थे बट फिर अब चले गए। तो पहले पैकिंग करते हैं उसके बाद फिर हम निकलेंगे, और राखी बांध के आपको वहाँ से ब्लॉग। गाइस इस बार ना रक्षाबंधन था, तो मेरे हस्बैंड और देवर आपको पता है ये दोनों एक बीएसएफ में एक एयरफोर्स में, तो दोनों राखी पे घर पे नहीं थे। हस्बैंड को तो छुट्टी मिल नहीं सकती थी, और कमल अभी छुट्टी आए थे जून में क्योंकि उनको नवंबर में छुट्टी लेनी है, तो उनको अगस्त में नहीं मिल सकती थी। तो ना रोजी और तन्नु मेरी जो नंद है उन्होंने वीडियो कॉल करी अपने अपने भाइयों को, तो कमल की राखी तो इन्होंने भिजवा दी थी। कमल जब छुट्टी आए थे तो कमल ने हाथों में पहनी हुई थी, बट ना हस्बैंड ने मेरी नहीं पहनी हुई थी। तो इन लोगों ने वीडियो कॉल करी तो कमल को बोला हाथ दिखाओ, तो कमल ने हाथ दिखाई कि मैंने अपनी राखी पहन ली। रोजी ने बोला दिखा, तूने पहनी नहीं पहनी, तो कमल ने पहन ली थी। इनको बोला दिखा तो इनका हाथ एकदम खाली था, क्योंकि इन्होंने राखी मेरे हाथ भिजवाई थी कि भाभी तुम राखी अगले दिन जाओगे तो तुम दे देना। तो ये लोग ना रोने लगे तीनों ही, कमल रोजी और तन्नू, बहुत बुरा लग रहा था। मैं नहीं थी बट मेरे को जब बताया मम्मी ने तो मुझे बहुत बुरा लगा, मम्मी भी पापा भी सब रोने लग गए थे, क्योंकि भाई बहनों का त्यौहार ना यार बहुत ही प्यारा दिल का त्यौहार होता है। तो उन्हें बुरा लगा कि भाई के हाथ में राखी नहीं है, सोना हाथ है। तो आज उनका हाथ भरा हुआ रहेगा, और आज मैं तीनों को फोटो भेजूंगी, कमल रोजी और तन्नु को, पापा मम्मी को, फिर उन्हें अच्छा लगे। और ये रही उनकी राखी, तन्नु और रोजी ने मेरे को भेजी थी राखी, बोला था भाभी आप ले देना। तो हाँ भाई, तो ये रही मेरे हस्बैंड की राखी जो रोजी की तरफ से है, इसमें योगेश लिखा हुआ है। और ये है तन्नू की तरफ से, तन्नू ने मुझसे बोला था आप खरीद लेना, क्योंकि तन्नू थोड़ा दूर रहती है और तन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आते हुए मैंने अपनी पसंद से ले ली थी इनके लिए। और ये तन्नू की तरफ से मेरे लिए राखी है जो भाभी को पहनाते, मैंने भी इसलिए नहीं पहनी कि जब इनके भैया पहनेंगे तब मैं पहनूंगी। तो और रोजी ने जो राखी ली थी वो भी अभी बैग में रखी है, मैंने वो निकालती हूँ फिर मैं भी पहनती हूँ, और इनको भी दे दूंगी वो भी पहन लेंगे। और मैंने साथ में इनके लिए तिलक का पैकेट भी ले लिया था कि तिलक भी लगा लेंगे और चावल भी। तो गाइस अब जा रहे हैं हम भाभी लोग के घर। और बाबू मैं भैंसी तो नहीं लग रही, कमजोर हो गया यार घर से, इधर कपड़े भी ढीले डालने लग गए ऐसे, तुमसे मोटा तो मैं लग रहा हूँ। देखो ये देखो कितना ढीला डाला रहा है, वो सूट ही ढीला है बाबू। देखो तुमसे मोटा तो मैं, दिखाओ एक बार मेरे को बैग से, लो देखो कितना मोटा हूँ मैं, कितनी कमजोर हूँ उधर से। ये देखो भाई
इतनी कमजोर हो गया आइए घर से। कैसा जिम किया पता नहीं, खतरनाक वाला, एक महीने में ही। ये सूट मेरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सूट मेरे देवर कमल ने मुझे दिया है गिफ्ट, कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है ना, सुंदर। मैंने मुझे मार्केट से दिलाया, चले तो लाते नहीं ना। चले एक मिनट, मैं पहना गाइस ये शर्ट ले लिए, राखी कहाँ है राखी? इसी के अंदर डाल देते हैं। चलते हैं फिर हम। लाइट पंखा बंद कर, खाली पंखा बंद कर दो, लाइट तो बंद नहीं करनी चाहिए। लाइट खोलो, अंधेरा नहीं अच्छा लगता। छिपकली तो नहीं आई? हाँ गेस्ट रूम बहुत सारे। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा घूम रहे हैं और मिठाई लेने जा रहे हैं। जी हाँ है। फिर उसके बाद हम जाएंगे भाभी लोगों के घर, बस आने वाला है। घर तो आ गया था मगर अभी हमें आगे से पहले मिठाई, यहाँ है मिठाई बाबू देखो सामने अमूल के, यहाँ से ले लेते फ्रेश होगी, लिखा है ना ऊपर मिठाइयाँ नमकीन। खिला दूँ क्यों? बाकी है ना, खिलाते क्या? चावल खिला दो क्या? पहले कंकू बांध दो, चावल खिला दो। हो गया अभी अंदर ही कैंप में। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अरे ऐसी आया है ये, ऐसी आया है गिफ्ट भी तो कुछ नहीं, मैंने राखी बांधनी है उसके। देखो पहले तुम्हें कैसा लगा? आज की वाली शर्ट चल रही है देखा तुमने, कैसी लग रही? बढ़िया एकदम। आई मैं क्या करूं, मम्मी दिखा दो वीडियो में हम लोग बेटा अजय ना मस्त। कैसी लग रही? और लग रही लो और भी जल्दी। हां तुम्हारे में कलर अच्छा लगेगा ये। अभी सर मारा क्या, तैयार होने क्या? बाबू बाबू तुम्हें खूब तरक्की मिले, खूब खुशी मिले, लंबी उम्र मिले। एक रिजो कोई बात नहीं है। ये डिपार्टमेंट मेरा है, वो डिपार्टमेंट मेरा है, मिठाई खाने वाला। यस
इधर तुम कमजोर हो रहे हो इसलिए धक्के लग रहे तुम्हें, ठीक है? नहीं नहीं कैमरे में सब दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा कैमरे में। Thank you.